माननीय भूपेश बघेल जी का तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में आत्मीय अभिनंदन। संतोष कौशिक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भावी विधायक तखतपुर विधानसभा। तखतपुर के बेलपान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के आशीर्वाद से बनी सरकार दो घंटे के बाद 9,500 किसानों के 2,000 करोड़ रुपए माफ किए गए। 2,500 रुपए में धान खरीदा गया, वही धान खरीदी में केंद्र ने अड़ंगा लगाया गया, लेकिन हम रुके नहीं। बाजार में 1900 में धान खरीद के 1300-1400 में बेचे, घाटा खाकर किसानों का नुकसान नहीं होने दिया। 100 लाख टन धान की खरीदी हुई। जिन्होंने खेती किसानी छोड़ दी थी वो फिर से उसकी ओर वापस लौटे। अब समर्थन मूल्य में उड़द की खरीदी की जाएगी। 31 मार्च तक खाते में धान का पैसा पहुँचाने की बात कही। 26 लाख परिवारों को मनरेगा में काम दिया, 3 महीने का काम दिया। राजेश कश्यप ठाकुर कापा बोधराम साहू नेवरा 9 एकड़ 175, संतोष साहू बीजा 2 लाख बकरी बेचे, गोबर बेचे 15,000 राशन कार्ड आदि ने अपनी बात कही। सविता जायसवाल भीमपुरी ने गरीबों के लिए कुछ करने का रोजगार देने की मांग की। भूमिहीन श्रमिकों को 7,000 रुपए साल का दिया जा रहा है, फ्री में चावल और 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रहे हैं। 12वीं की छात्रा श्रेया पांडे ने आत्मानंद स्कूल की तारीफ की और स्कूल की सारी व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद दिया। अंजलि निर्मलकर विजयपुर में स्कूल खोलने की मांग की। घनश्याम शिवहरे को 20,000 की सहायता राशि भी चेक वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में जय सिंह अग्रवाल, विधायक रश्मि, आशीष सिंह ठाकुर, विजय केसरवानी, गरीबा यादव, जितेंद्र पांडे, शिव बालक कौशिक, मुन्ना श्रीवास सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य, समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर का अस्पताल करने की मांग, कन्या कॉलेज को रानी दुर्गावती करने का आग्रह, विभिन्न ग्रामों के पहुँच मार्ग के निर्माण के लिए मांग, 40 ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण की मांग। धान की खरीदी का मूल्य 2,800 रुपए किए जाने का घोषणा, उसमें देखिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना पीछे रख भाई, पेपर पीछे हटा, पेपर हटान भाई, परफॉर्मेंस पर बताइए, परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं और किस प्रकार से जनता ने आशीर्वाद दिया वो बताने की जरूरत नहीं है, ना मांगा नहीं लेकिन आशीर्वाद जनता जनार्दन से आपको मिल रहा है, अन्नदाताओं से। आपने अलर्ट किया है विधायकों को कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनका काट दिया, तो नहीं नहीं मैंने वो नहीं कहा, पार्टी का टिकट देने का काम पार्टी का, अब जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा पार्टी तय करेगी। मेरी कोशिश है 71 के विधायक चुनाव नहीं। पूर्व विधानसभा के 105 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपए की मांग, सकरी में वन चेतना भवन की सकरी कॉलेज के लिए मांग, तखतपुर विधानसभा में 4 आत्मानंद स्कूल की मांग, कन्या कॉलेज को रानी दुर्गावती करने का आग्रह करती हूं, पर विभिन्न ग्रामों के पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए राह की मांग, 40 ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण की मांग। ऊपर की घोषणा से पूर्व विधानसभा के 105 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपए की मांग, सकरी में वन चेतना भवन की सकरी कॉलेज के लिए मांग, तखतपुर विधानसभा में 4 आत्मानंद स्कूल की मांग की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान की। कार्यक्रम आई तब मोला बोले के मौका दी तब कर्जा माफ हो मोर और बोनस मिली छमल्ला और समय पर सुंदर धान खरीदी हो से देखर चुकारा भी है समय पर मिलत जाते मुख्य बहुत अच्छा लगी छोकर कार्यक्रम है। अब मैं ऊपर से ओखर लंग 15 क्विंटल ला 20 क्विंटल के मांग रखे हूँ। अब कहे ते है रहो ऐसे के कहे है अब दे है धन नहीं तेना वो ही जाने भाई।
और मोर ये मांग है कि मतलब हमारे गांव में पुलिया नहीं है, उसमें चार आदमी खत्म हो गए हैं, मतलब वहाँ से चावल लाथन बेरा पार जाल पड़ते तो लाल सियान आदमी जो नहीं आना जाना कर सके बिचारी बिचारा अंगूठा पर तो जाए में बहुत परेशानी होते। तो मेन हमारे है कि पुलिया बन जाती है, तो स्कूल अभी पाँचवीं तक है और वही नाली की बहुत परेशानी होती है हमारे गाँव में और टेप नल बस अपने मांग। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट। माननीय भूपेश बघेल जी का तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में आत्मीय अभिनंदन। संतोष कौशिक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भावी विधायक तखतपुर विधानसभा।